कभी रूठना, कभी मचलना, कभी खिलखिलाकर हंस पड़ना, कभी कूदना, कभी फुदकना, कभी चिड़ियों संग बातें करना, दिन भर खेल खिलौना साथी, भागम दौड़ी कभी न थकना। सच में बच्चों की अपनी एक दुनिया होती है, उमंग और कौतूहल से भरी, जहां वो मस्त रहते हैं। कौतूहल, जिज्ञासा, निरीक्षण बच्चों की विशेषताएं हैं। खोजी प्रवृत्ति के ये बच्चे जैसे सब कुछ सीखना, जान लेना चाहते हैं। इनके लिए नई नई चीजों को जानने और समझने का जरिया है खेल। खेलना उनकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं देखभाल में इन बातों को बहुत महत्व दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि बच्चे किस तरह खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। बच्चे हमेशा खोज करना चाहते हैं, वे नए नए प्रयोग करना चाहते हैं, वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानना चाहते हैं, छूकर और सुनकर महसूस करना चाहते हैं, साथ ही इसके लिए प्रोत्साहन भी मांगते हैं और चुनौतियों से भी नहीं घबराते। इन सब के लिए जरूरत है इन्हें अवसर मिलना, मार्गदर्शन मिलना, बड़ों की सहायता और सुरक्षा मिलना। और हम बड़ों का काम है इन बच्चों की इन्हीं जरूरतों को पूरा करते हुए इन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका देना। स्वतंत्र रूप से सोचने का यह मौका हम इन्हें खेल खेल में ही दे सकते हैं। खेल भी ऐसा हो जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के अधिक से अधिक अवसर दे, साथ ही साथ बच्चों को खुद ही सीखने के लिए व नए नए अनुभव पाने के लिए प्रेरित कर सके। बच्चा खुलकर कुछ कह सके, अपनी बात समझा सके, आखिर यही तो शिक्षा का उद्देश्य है। यह तभी हो सकता है जब खेल को बाल केंद्रित, ज्ञानवर्धक, चुनौतीपूर्ण, दबाव रहित और आकर्षक बनाया जाए। खेल खेल में तो बच्चे सीखते ही हैं, पर इसमें शिक्षिका का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। छोटे बच्चों को समझना और उन्हें समझाना शिक्षिका के लिए हमेशा से ही एक चुनौती भरा कार्य रहा है। प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं देखभाल को लेकर हमारे मन में कई प्रश्न हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा से पहले की जो अवस्था है बच्चों की, यानी कि 6 साल से कम की, उसको हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। पर आजकल 6 और 8 साल तक के बच्चों को भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शामिल कर लिया गया है। उसका कारण ये है कि उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, उनकी जो सामाजिक क्षमता है, उनकी जो भाषाई स्थिति है, वो ज़्यादा इन बच्चों के समान होती है। तो इसलिए जो भी शिक्षा विधि है वो उसी तरह की होनी चाहिए, उसी तरह का एक कंटिन्यूएशन होना चाहिए जैसे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में है। कुछ ऐसी खास क्षमताएं हैं जिनके लिए ये पीरियड बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि भाषा के लिए जो 1.5 साल से लेकर के कोई 5 साल तक का जो पीरियड है बच्चे की उम्र का, वो बहुत ही क्रिटिकल है। उसी तरह से 3 से लेकर 6 वर्ष का जो समय है वो एक क्रिटिकल पीरियड है। बच्चों को दूसरे बच्चों के संग खेलना, सीखना, उठना बैठना, शेयर करना, कोऑपरेट करना, सामाजिक व्यवहार सीखना, यानी जो शिक्षा प्रणाली हो वो ऐसी हो, जो शिक्षा का कार्यक्रम हो वो ऐसा हो, जो उसका मुख्य बिंदु हो वो बच्चा हो। बच्चा जब हम कहते हैं मुख्य बिंदु हो, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि शिक्षा का जो एक वातावरण है जो हम बनाएं बच्चों के लिए, वो ऐसा हो जो कि बच्चों की रुचि के अनुसार हो, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि बच्चों की जो अपनी मनोवृत्ति है उसके अनुसार हो। इसीलिए हम कहते हैं कि जो शिक्षा का कार्यक्रम इस स्तर पे होना चाहिए वो खेल द्वारा होना चाहिए, क्योंकि खेल ही बच्चों का जीवन है, और उसको एक शिक्षा का माध्यम बना करके अगर हम शिक्षा बच्चों के लिए प्लान करेंगे तो वो हम बाल केंद्रित शिक्षा कहेंगे। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है ये समय। इस समय बच्चों को अधिक से अधिक सीखने का अवसर दिया जाता है, जिससे बच्चे बिना किसी दबाव के बहुत कुछ सीख लें, और वो भी खेल खेल में। इसीलिए प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं देखभाल को इतना महत्व दिया गया है।
प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं देखभाल ही एक ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए एक प्रेरणादायक एवं अनुकूल वातावरण तैयार करता है, जहां वे स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें, एक दूसरे के साथ खेल सकें, अपने कौतूहल को शांत कर सकें, प्रयोग कर सकें तथा अपनी निरीक्षण शक्ति का विकास कर सकें, अपने दोस्तों के साथ चीजें बांट सकें और अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास कर सकें। इसीलिए पूर्व प्राथमिक शाला में बाल केंद्रित क्रियाएं करवाई जाती हैं। अक्सर अभिभावक खेल विधि को समय का व्यर्थ होना समझते हैं और उसे नकार देते हैं। अक्सर हम छोटे छोटे बच्चों पर दबाव डालते हैं कि वो छोटी उम्र में ही पढ़ना और लिखना शुरू कर दें। ऐसे ही एक अभिभावक हैं मिस्टर भल्ला, जिनकी 4 साल की एक पोती है। आजकल वे अपनी पोती को लेकर बहुत परेशान हैं। इसे देख रहे हैं आप, ये मेरी 4 साल की पोती है गुनगुन। नर्सरी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन स्कूल जाकर इसने अभी तक कुछ नहीं सीखा। ना तो इसे ABC आती है, ना गिनती आती है, और वो अपने पड़ोसी रामलाल जी की पोती बिल्कुल इसी की उम्र की है। BCD A से लेकर Z तक अंग्रेजी जानती है। WXYZ एक से लेकर 50 तक गिनती बोल लिख सकती है। 49 50 50 लिखने से सिवाय पेंटिंग करने के, खेलने कूदने के अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। अरे बेटा आप कुछ पढ़ लिख भी लो, ये नहीं सुनेगी, पता नहीं क्या होगा इसका। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे की अपने दूसरे उसके जो भाई बहन है उससे कंपेयर करते हैं, या टीचर्स एक बच्चे की और जो क्लास में बच्चे हैं उससे कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में पेरेंट्स तो ये सोचते हैं कि हम इसको कंपैरिजन करके बोल रहे हैं कि तुम अच्छा करोगे, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बुरा हो जाएगा और बच्चा जो है वो बिल्कुल ही अपना इंटरेस्ट छोड़ सकता है। इसलिए जब भी हो बच्चे के लिए उसकी क्या अच्छी चीज़ें हैं उसको एप्रिशिएट करो, और अगर उसमें कोई चीज़ में कमी लग रही है तो उसको पहले एनालाइज़ करिए कि क्या कारण है, क्यों बच्चा उतना अच्छा नहीं कर रहा, और उसमें उसकी मदद करिए बजाय डायरेक्ट कंपैरिजन के। उससे आपका बच्चा जो है वो अच्छी प्रोग्रेस कर सकेगा। बच्चे में अगर 1 किलो वजन उठाने की क्षमता है और उसे 5 किलो उठाएंगे तो लगता तो ये है कि वो 5 किलो उठा सकता है, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे ये देखने वाली बात है। यही शिक्षा में लागू करिए। बच्चा लिख सकता है, कहते हैं लोग लिख सकता है, लिखेगा, फोर्स करेंगे तो लिखेगा, लेकिन उसका क्या मोटर डेवलपमेंट इतना हुआ है कि उसे लिखने की बात हम करा सकें? नहीं हुआ है। 5 साल तक मैं मानता हूं कि बच्चे को लिखने की बात आप मत करिए, उसको फ्री ड्राइंग करने दीजिए। पलने दो मुझको, बढ़ने दो मुझको, चलने दो मुझको, करने दो मुझको, बोझ बनाओ न पढ़ना लिखना, बहुत काम है हमको करना। मिस्टर भल्ला को नहीं पता कि उनकी पोती वही कर रही है जो इस उम्र के बच्चों को करना चाहिए। हर बच्चे की अपनी क्षमता है, कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उनकी तुलना आपस में न करें। ये बच्चे फॉर्मल रीडिंग राइटिंग नहीं कर सकते, जबरदस्ती लिखने पढ़ने और गणित सीखने का दबाव इन पर नहीं बनाना चाहिए, इसलिए इनकी गतिविधियां भी औपचारिक नहीं होनी चाहिए। बचपन की देखभाल एवं शिक्षा न केवल प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, राष्ट्र को उपलब्ध होने वाली मानव रूपी पूंजी की गुणवत्ता पर भी इसका असर देखा जा सकता है। प्रश्न ये उठता है कि शिक्षा के स्तर में ये भिन्नता क्यों? शहरी एवं ग्रामीण बच्चों की शिक्षा में समानता क्यों नहीं है? क्यों नहीं सभी बच्चों को एक उपयुक्त प्रेरक वातावरण मिलता? जब पूर्व प्राथमिक शिक्षा की चर्चा चल ही रही है तो प्रश्न उठता है कि उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि यदि गुणवत्ता बनी रहेगी तो बच्चों का विकास भी अच्छा होगा।
बच्चे को हम वो कुछ देना चाहते हैं जो बच्चे को जीवन भर का गिफ्ट होगा। पहली स्किल कम्युनिकेशन चाहिए, दूसरा उसको कम्युनिकेशन ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से कर सकता है, इशारे से कर सकता है, और उसको चाहिए रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग चाहिए, डिडक्टिव रीजनिंग चाहिए, उसको क्रिएटिविटी का मौका चाहिए, चाहे वो आर्ट से संबंधित हों, चाहे डांस से संबंधित हों, चाहे म्यूजिक से संबंधित हों, आनंदमय काम करना है। और इसके अलावा बच्चे को अपनी निर्णय क्षमता का विकास करना है। जो बच्चा है उसमें जो कोऑपरेटिव लिविंग की स्पिरिट आती है बाद में नहीं आ सकती, इंस्टॉल नहीं की जा सकती, यहीं से सीखेगा। गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य बात है बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्यचर्या का निर्माण। अब वो पाठ्यचर्या कैसी हो? एक बेसिक करिकुलम तो होना चाहिए कि बच्चे को जैसे 4 साल में रिकग्निशन ऑफ अल्फाबेट्स आना चाहिए, 5 साल में ऐसे आना चाहिए, लेकिन उसको अचीव करने के तरीके जो हैं वो बच्चे की कितनी एबिलिटी है और उसका कितना ग्रास्पिंग पावर है उससे लिंक्ड होना चाहिए। जहां सीखने का आधार ही खेल हो, जहां शिक्षा का आधार कला हो, जहां बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता दी जाए, जहां बच्चों की सोच को मान्यता मिले। अब प्रश्न उठता है, इस बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को क्रियान्वित कौन करेगा? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे बच्चों के लिए एक वातावरण क्रिएट करना है जिसमें बच्चे अपने आप से सीखें। तो उसको करने के लिए हमें एक ऐसा टीचर चाहिए जो कि बच्चों के संग खेल सके, कूद सके, गाना गा सके, बच्चों को एक बहुत ही रुचिकर वातावरण दे सके। ये हर एक के बस की बात नहीं है। बच्चे के लेवल पर आना, बच्चे के साथ प्रेम का व्यवहार करना, बच्चे की आवश्यकताओं को समझना, उसके अनुरूप को एक्टिविटी कराना, टीचर बहुत अच्छा ट्रेंड चाहिए। ट्रेनिंग की आप देखें तो कोई यूनिफॉर्म ट्रेनिंग नहीं है। कहीं 3 महीने का टीचर बन जाता है एनटीटी का, कहीं 6 महीने का, कहीं 2 साल का बनता है, वेरिएशन है। कई लोग उसको ऐसा कहते हैं कि वेरिएशन होना बहुत अच्छी बात है और हमें इससे कंपटीशन मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हम अपने बच्चे को किसके सुपुर्द करना चाहते हैं और वो जिसके सुपुर्द करना चाहते हैं उसमें क्या योग्यताएँ और क्षमताएँ हम देखना चाहते हैं, कौन शिक्षक बनेगा, किस योग्यता के साथ बनेगा, कैसी उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, कितनी अवधि की होगी, और फिर उसका जो संचालन करेगा तो उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा, उसका मूल्यांकन कौन करेगा, उसका समर्थन कौन करेगा, क्या रेगुलर उसको इन सर्विस ट्रेनिंग की व्यवस्था हम कर पाएंगे कभी। जब तक उस बात पर विचार न करें अपने बच्चों को गुणवत्ता परख ECC उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जब गुणवत्ता की बात चलती है तो प्रश्न ये भी उठता है कि एक शिक्षक के पास कितने बच्चे होने चाहिए जिससे शिक्षक बच्चों के साथ आसानी से क्रिया कर सके। शिक्षक बच्चों का अनुपात क्या हो? आइडियल रेशियो अगर हम कहेंगे छोटे बच्चों के लिए तो एक टीचर के संग 10 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। 10 न सही लेकिन कम से कम 20 से ज़्यादा बच्चे तो नहीं होने चाहिए। और अगर 3 से 4 वर्ष की बच्चे की बात कर रहे हैं हम, तब तो एक ज़रूर कोई एक हेल्पर भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे अभी टॉयलेट ट्रेन भी पूरी तरह से नहीं होते हैं। अब टीचर को बहुत सपोर्ट चाहिए किसी और एक एडल्ट का जो कि उनके संग मिल करके बच्चों को संभाल सके। अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षा में ना तो बच्चों को घूमने का और ना ही एक दूसरे से बातचीत करने का अवसर मिल पाता है। शिक्षक व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान देने में असमर्थ होते हैं। ऐसा वातावरण चहुंमुखी विकास के लिए सहायक नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि बुनियादी ढांचा कैसा हो? बुनियादी ढांचे के बारे में जब सोचते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है बच्चों की सुरक्षा का। पूर्व प्राथमिक केंद्र एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर हो जहां बस गाड़ी न चलती हो, आसपास कहीं तालाब नाला न हो और प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत हो। बुनियादी ढांचा बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बना हो और कम लागत वाला हो, जहां आंतरिक व बाहरी खेल खेलने की सुविधा हो। पूर्व प्राथमिक शाला में एक बाहर का एक ऐसा वातावरण हो, कुछ खेल का सामान हो जैसे कि स्लाइड झूले वगैरह, और न भी हो तो कम से कम भागने दौड़ने की जगह हो, कहीं चढ़ने की जगह हो,
कूदने की जगह हो, बैलेंस करने की जगह हो, जिससे कि बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकें और उनका ये जो बड़ी मांसपेशियों का विकास हो सके। साथ साथ में उसमें सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि बच्चों का जो आउटडोर प्ले होता है, जो बच्चे मिल करके खेलते हैं, तो उससे उनकी सामाजिक आवश्यकताएँ वो भी पूरी होती हैं और एक दूसरे से खेलना भी सीखते हैं। अगर एक हम अच्छे क्लासरूम की बात करते हैं पूर्व प्राथमिक शाला में, तो उसमें एक तो खुली जगह होनी चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जो कभी बच्चे गोल घेरे में बैठें, कभी बच्चे एक संग जुट करके बैठें या अलग अलग बैठ करके काम कर सकें। तो इस तरह का एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी उचित व्यवस्था हो, जहां प्रशिक्षित शिक्षिका उनकी उचित देखरेख कर सके। उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रखने से वे बराबरी का अनुभव कर सके। बच्चे जब थक जाएं, तो उन्हें आराम करने की सुविधा भी हो। इसके अतिरिक्त पानी की सुविधा तथा साफ सुथरा शौचालय की भी सुविधा होनी बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को पूरा बचपन जीने देंगे तो अच्छा विकसित होगा। इसमें योगदान है स्कूल का, स्कूल के टीचर्स का, हेडमास्टर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, पेरेंट्स का और कम्युनिटी का। पैसे से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पैसा तो आप दे सकते हैं, पैसे के साथ व्यवस्था की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, ओरिएंटेशन की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, मॉनिटरिंग की जरूरत है और सबसे ऊपर जरूरत है बच्चों के प्रति। इस देश में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी हो कि इस बच्चे को शिक्षा देना हमारा दायित्व है। अगर हम ऐसा समझेंगे तो मेरा विश्वास है कि इसी इस देश में प्रगति करेगा और हम बच्चों को साथ वो कर सकेंगे जो न्यायपूर्ण तरीके से हमें करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करें। प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं देखभाल की अहमियत को अब सभी को जानना व समझना है। इसलिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा देते समय हमें बच्चों की इस उम्र की महत्ता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे बच्चे सही दिशा में सही ढंग से आगे बढ़ें। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, पत्थर की भी तकदीर समर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। पर यह तो पत्थर नहीं, बल्कि हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं और ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं, जिनको भला हम अनदेखा कैसे कर सकते हैं।